हेलो फ्रेंड्स, लॉ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स में यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ECHR को जानेंगे, फंडामेंटल फ्रीडम देखेंगे, पर्पसेस देखेंगे, लीगली बाइंडिंग है या नहीं वो देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी देखेंगे कि किस तरीके से यूरोपियन कन्वेंशन काम करता है, और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम कि हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले तो हिस्ट्री है कि ह्यूमन राइट्स जो सिस्टम है उसका एक रीजनेबल इंस्ट्रूमेंट है, या हम ये बोल सकते हैं एक मशीनरिज्म है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही ह्यूमन राइट्स को प्रमोशन के लिए। एन एग्जांपल जैसे ट्रीटीज हो गई, कन्वेंशन हो गई, डिक्लेरेशन हो गए, तो उसमें क्या होता है, लोकलाइज और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स नॉर्म को, जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल है। अब देखो, कोई भी चीज़ है अगर इंटरनेशनल लेवल पे है तो उसको एक लोकलाइज वे में भी उसको काम करना चाहिए। तो ये जो मशीनरी होती है ये क्या है, ये जो कन्वेंशन, ट्रीटीज और डिक्लेरेशन है, तो ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ये इसलिए है कि जो ह्यूमन राइट्स उसको प्रोटेक्ट कर सके। और अब तक की अगर बात करें तो यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, इन तीन ने कन्वेंशन किया हुआ है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। अब बात करते हैं भाई ECHR है क्या। तो ECHR का पूरा नाम ये है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो कि प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। कौन, किन लोगों के ह्यूमन राइट्स को, उन लोगों को जो यूरोप की, मतलब जो कंट्री, यूरोप कंट्री के जो क्या कहते हैं, सिटीजन है, साथ में जो कि यूरोप से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। कौन प्रोटेक्ट करती है, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। नाम से ही पता चलता है जब यूरोपियन है तो यूरोप के लोगों को ही करेगी। अब बात करते हैं इसके अडॉप्शन की। तो अडॉप्शन इसका 4 नवंबर 1950 में हुआ, और एनफोर्समेंट डेट थी इसकी 3 सितंबर 1953। इसमें मेंबर थे जिन्होंने साइन किया था 47 स्टेट थे, और ये रोम इटली में हुआ था, लाइक पोलैंड वगैरह हो गए, हंगरी वगैरह, ये इसके मेंबर्स थे। इस तरीके से 47 स्टेट्स हैं। अब बात करते हैं कि भाई यूरोपियन कन्वेंशन तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पहले ये समझे कि यूरोपियन कन्वेंशन में आखिर है क्या। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में टाइटल होता है, यूरोपियन कन्वेंशन का टाइटल का, यानी इसका पूरा नाम है, टाइटल जो है, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, ये इसका टाइटल है। आर्टिकल की बात करें तो 59 इसमें आर्टिकल्स और 16 इसमें आपको प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, राइट एंड फ्रीडम प्रोवाइडेड बाय ECHR। वो कौन से राइट्स एंड फ्रीडम हैं जो कि ECHR यानी कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड कराती है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट कुछ लिखे हुए हैं, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी हो गया, राइट टू फेयर एंड पब्लिक हियरिंग हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, राइट टू मैरी एंड फाउंड अ फैमिली हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, फ्रीडम पीसफुली असेंबली हो गया, या स्लेवरी हो गया, ठीक है, और फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर हो गया, पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, और अबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी हो गया। जैसा कि हमने ह्यूमन राइट्स में पहले ही पढ़ा है कि किस तरीके के इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, हर तरीके के राइट्स आते हैं, तो जो कि क्या होता है, ह्यूमंस के राइट को प्रोटेक्शन करना, ये यूरोपियन कन्वेंशन में, तो ये इस तरीके से है, और भी है वैसे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस, कि भाई यूरोपियन कन्वेंशन का पर्पस क्या है। तो यूरोपियन कन्वेंशन का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि प्रोटेक्ट करेगा वो ह्यूमन राइट्स को उन लोगों के जो उस कंट्री के हैं या बिलोंग करते हैं कंट्री से, यूरोप से, यानी कि तो यूरोप से जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों को, और जो लोग उस कंट्री के हैं उन लोगों को, तो ये इसका पर्पस है। लीगली बाइंडिंग है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीगली बाइंडिंग है या नहीं। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और एक फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन स्टेट्स के बीच में, और स्टेट्स में साइन कर चुके जैसे कि 47 कंट्रीज हैं, तो हाँ ये बाउंड है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका मैटर है, और उस हिसाब से ये बाउंड है, क्योंकि भाई यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कि इम्प्लीमेंटेशन और मशीनरी क्या है।
तो तीन पार्ट से इसको समझेंगे, जैसे कि यूरोपियन कमीशन सबसे पहला, फिर उसके बाद यूरोपियन कोर्ट, और फिर उसके बाद कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री। तो यूरोपियन कमीशन की अगर बात करें तो यूरोपियन कमीशन आर्टिकल 20 में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से, और ये सेटअप हुआ था 1954 में सेटअप हुआ था यूरोपियन कमीशन, और ये पहली मशीनरी थी यूरोपियन कन्वेंशन में। और इसका टेन्योर की बात करें तो 6 ईयर की होती है। और फंक्शन क्या है इसके, इसके फंक्शन ये है कि हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट करना पार्टीज के बीच, इंडिविजुअली भी रहता है, पिटिशन बाय इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि एनजीओज हो गए, पार्टीज हो गई, वो यूरोपियन कन्वेंशन के अंडर में आएंगे। अब बात करते हैं यूरोपियन कोर्ट। तो यूरोपियन कोर्ट जो है कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ जज इक्वल टू दोज ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप, जो काउंसिल ऑफ यूरोप की है उनके इक्वल ही। और ये 3 सितंबर 1958 में एस्टैब्लिश हुई थी, मतलब एस्टैब्लिश हुई थी, बट ये स्टार्ट हुई थी 1959 में, और ये एक तरीके से जुडिशियल बॉडी मानी जाती है, नाम से पता चला जैसे कोर्ट है। और ये इसका प्लेस है स्ट्रेसबर्ग, और इसमें 7 जजेस थे। और एक और बात, इसे स्ट्रेसबर्ग कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है यूरोपियन कोर्ट को। और इसका जो पहला केस था जो इसने डिसाइड किया था यूरोपियन कोर्ट ने, वो था लॉलेस वर्सेस आयरलैंड का केस था। इसके ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो दो तरीके से है, जैसे एडवाइजरी यानी कि कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स, और कॉन्टेंशियस, सॉरी ये मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है थोड़ा सा। अब बात करते हैं कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री की। तो कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री में क्या रहा, जो कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री है उनका काम क्या था, उनका काम ये था कि वो डील करते थे मेरिट ऑफ केस की, जो कि केस आते थे, साथ के साथ वो लोग डील करते थे जो कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री थे, कि गवर्नमेंट की किस तरीके से जो कोई अगर मतलब जजमेंट वगैरह आती है तो उसको कंपाइल करने का इनका काम था, ये कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री का काम था। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल नंबर 11। जैसे ही हमने जाना कि प्रोटोकॉल 16 थे तो ये 11 नंबर का है, जिस प्रोटोकॉल का एम ये था कि रैशनलाइज करना मशीनरी को एनफोर्समेंट के लिए, लाइक राइट्स एंड लिबर्टी के लिए, तो ये ग्रांटेड करता था बाय दी कन्वेंशन। इसमें होता क्या था कि हमने जैसे देखा कि मशीनरी में तीन तरीके से है, यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन कोर्ट है, और कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री है। तो इसमें क्या था, सबसे पहले यूरोपियन कमीशन आया था, देन यूरोपियन कोर्ट आया था, वो एक जुडिशियल बॉडी थी। तो इसमें क्या हुआ, 11 जब प्रोटोकॉल आया उसमें जो यूरोपियन कोर्ट था और जो द कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री थी, इनका काम न करके एक सिंपल सीधा सा कोर्ट बना दिया जिसको नाम दिया गया फुल टाइम यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि ये नहीं है कि पहले कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री पे जाएगा या ऐसे, इस तरीके से नहीं, सीधा एक ही वो कर दिया। और फुल टाइम यूरोपियन कोर्ट में जो जज वगैरह होते हैं इनका टेन्योर 6 ईयर का रहता है, या 70 की एज तक अगर हो तो हो। अब बात करते हैं कि कौन, जो ये फुल टाइम यूरोपियन कोर्ट बना, कौन बंदा फाइल कर सकता है, तो इंडिविजुअल भी कर सकता है और इंटर स्टेट एप्लीकेशन भी हो सकती है। इसमें जो ग्रैंड चैम्बर है उसमें 17 जज थे, और जो चैम्बर ऑफ है वो 7 जज है, मतलब जो एक चैम्बर रहेगा वो 7 जज का रहेगा। साथ के साथ इसमें जो बेंच रहती है वो 3 जज बेंच रहती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो मशीनरी थी उसको कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री हो गई या यूरोपियन कोर्ट हो गया, उन सब के काम को एकदम हटा के सीधा एक फुल टाइम यूरोपियन कोर्ट बना दिया। इससे पहले वाला जो यूरोपियन कोर्ट था जिसे स्ट्रेसबर्ग कोर्ट के नाम से भी जानते थे, वो उतना इफेक्टिव नहीं था, ये उससे अपग्रेड था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिकन कन्वेंशन की, इस वीडियो में जैसे यूरोपियन कन्वेंशन की बात करी। होप सो कि आपको यूरोपियन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।